आजकल बहस और राजनीति पसंद लोगों को एक नया मुद्दा मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल पुरस्कार देने पर राजनीति और बहस हो रही है। खैर, इसी बहाने आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नोबेल प्राइज है क्या, ये कैसे मिलता है, क्या ये आप और हम जैसे आम आदमी को भी मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड ने मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए बचा रखा था। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मरने से पहले अपनी संपत्ति बेटे बेटी या रिश्तेदार के नाम कर देते हैं, लेकिन अल्फ्रेड साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए रख दिया और कहा कि इस पैसे के ब्याज से जो भी रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल मानव हित के कल्याण में जो भी बेहतर कार्य कर रहा हो उसके सम्मान में इस पैसे का खर्च कर दिया जाए। तो स्वीडिश बैंक में आज भी उनकी संपत्ति जमा है और उसके ब्याज से हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जो विजेता होता है उसे एक मेडल, एक डिप्लोमा, एक मॉनेटरी अवार्ड मिलता है। 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम होती है जिसका मुखिया स्वीडन का किंग ऑफ काउंसिल द्वारा चुना जाता है। हर साल अक्टूबर में इस पुरस्कार का ऐलान होता है और 10 दिसंबर को इसे दिया जाता है। 10 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल साहब की पुण्यतिथि है। भारत से संबंधित 10 लोगों को अब तक अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार मिल चुका है। पहला नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में टैगोर को ये पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय बने थे। इसके अलावा हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, वीएस नायपॉल, वेंकट रामकृष्णन, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कैलाश सत्यार्थी, आरके पचौरी, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को भी ये अवार्ड मिल चुका है। अब आते हैं उस जरूरी सवाल पर कि क्या आप और हम जैसे आम आदमी को भी नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ किया है जिससे आपको ये पुरस्कार मिलना चाहिए तो आपको क्या करना होगा? नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन कोई भी कर सकता है, बस इसकी कुछ खास शर्तें होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है जिनका पालन करना जरूरी होता है। नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी की ओर से नामांकन के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कमेटी कोई इन्विटेशन लेटर जारी करती है, जिसको इन्विटेशन नहीं मिले वो नहीं अप्लाई कर सकता, ऐसा नहीं है। नोबेल पुरस्कारों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिन लोगों का नामांकन किया गया है उनके नाम की जानकारी 50 साल तक सार्वजनिक नहीं की जाती है, यानी कि अगर आपने नामांकन किया है तो ये जानकारी 50 साल तक गोपनीय रहेगी। नोबेल पुरस्कार के लिए जब आप आवेदन करेंगे तो आपके आवेदन को वैध मानने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जिनमें से एक भी क्राइटेरिया अगर आप पूरा कर लेंगे तो आपका आवेदन वैध माना जाएगा। ये जो क्राइटेरिया हम आपको बता रहे हैं, पहला ये कि किसी भी विधानसभा या लोकतांत्रिक सरकार के मंत्री या राज्यों के प्रमुख होना चाहिए आपको अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो। दूसरा, हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य या हेग में स्थायी पंचायत न्यायालय के सदस्य आप हों, या शांति या स्वतंत्रता के लिए महिला अंतर्राष्ट्रीय लीग के अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य आप हों, जिन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हों जिनको नोबेल पुरस्कार मिल गया हो, या फिर मुख्य निदेशक मंडल या इसके समकक्ष संगठनों के सदस्य जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या नॉर्वेजियन नोबेल समिति के वर्तमान और पूर्व सदस्य रहे हों, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के पूर्व सलाहकार हों। अगर आप इनमें से किसी एक भी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। आप www.nobelprize.org पर जाकर आवेदन संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।